बिकॉज साड़ी मैंने आज पहनी है, भाई का और माँ का रिएक्शन लेते हैं, हमने शादी कर ली है। अरे यार, तो तू माता सीता के अवतार में लग रही है, बहुत अच्छे लग रहे यार। अरे शादी के एक महीने बाद तक सैंडी ने अपना रूप दिखाया, सैंडी किस टाइप से रहे? Stop roasting me. This is not a roasting channel. आज तो एक चमत्कार ही हो गया, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पे, लेकिन बहुत खुशी हो रही है, फाइनली काम स्टार्ट हो गया। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई चैनल। आई नो बहुत दिन हो गए हैं और मैंने व्लॉगिंग नहीं की है, बट मैं बिजी थी, मेरी असाइनमेंट्स थी वो बनानी थी मुझे, कॉलेज का कुछ काम था, बट नाउ आई एम फ्री एंड मैं तैयार हुई हूँ, जैसे आपको पता ही है, क्योंकि मुझे काम है दिल्ली में, हमारा जो काम चल रहा है उसी का ही, तो इसीलिए मैं आज दिल्ली जा रही हूँ एंड इतने दिनों बाद व्लॉगिंग करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो हेलो गाइज अगेन एंड वेलकम। सो मैंने अभी हेयर वॉश किया है एंड बाल ड्राई होने का वेट कर रही हूँ, फिर इसमें कोम करूँगी। बैग्स मेरे पैक्ड है, आज मेरी थोड़ी जल्दी की फ़्लाइट है, मतलब है तो एक ही फ्लाइट शिमला से, बट आज पता नहीं कैसे थोड़ी जल्दी है वो, सो बस जल्दी निकलूँगी। एंड गाइज मौसम भी अच्छा है, मुझे लगा क्लाउडी ना हो तो फ्लाइट कैंसिल हो जाती है, बट नहीं, मौसम सही है बिल्कुल। गाइज मैंने जैकेट पहन ली है क्योंकि फ़्लाइट में तो ठंड लगती है। एंड आई एम रेडी टू गो, और ये सामान रखवा रहा है मेरा, ठीक है, बाय। एंड गाइस देखो मेरे को पिक करने कौन आए हैं। हेलो, और ये देखो आफ्टर सो मेनी डेज वेलकम तो कर लो, वेलकम, और ये देखो टू माय व्लॉग खाना, और मैं सब कुछ लाई हूं तुम्हारे लिए, ये सारा खाना है यहाँ पर, क्योंकि मुझे लग रही है भूख रास्ते में, क्या सुबह सुबह कुछ खा के नहीं आया, इतनी सुबह भूख नहीं लगती। और वहाँ की फ्लाइट की टाइमिंग बहुत ही सड़ियल है, ऐसी कभी नहीं होती, अब हमेशा तो मैं लेट ही आती हूँ, तुम ही कह दो जल्दी आ। अब तो यही है, जो भी है फ्लाइट की टाइमिंग बेकार है, तो कुछ खा कर नहीं आया तो इसलिए मंगा लिया है। देखो खोल के इसमें क्या क्या है, आई थिंक सैंडविच खाना थोड़ा डेंजरस लग रहा है मुझे यहाँ। वड़ा पाव तुम्हारे लिए, हाँ बर्गर है, अच्छा वड़ा पाव भी होगा। ये कैसे पैकिंग करी उसने, बोला पैक करना है, ये तो ऐसे दे दिया जैसे खाते खाते याद हो। सो गाइज एयरपोर्ट से हम डायरेक्टली आए हैं अपने ऑफिस में, क्योंकि ऑफिस में काम स्टार्ट हो गया है, देख के मुझे इतनी खुशी हो रही है। ये देखो यहाँ पर प्लाईवुड्स पड़ी है, इलेक्ट्रिकल वर्क हो रहा है, चारों तरफ मेरे मेसेस खुल गए। और इस फ्लोर पे तो अभी पार्टीशन नहीं हुए हैं, बेसमेंट में पार्टीशन हो गए, तो वो भी आपको मैं दिखाऊंगी मैं, लेकिन बहुत खुशी हो रही है फाइनली काम स्टार्ट हो गया, इलेक्ट्रिक वर्क शुरू हो गया है। हाँ, ऊपर पूरी पाइपिंग डल गई है, उधर एसी की डक्ट डलने स्टार्ट हो गई, डली गई मतलब फ्लोर की, ऑलमोस्ट इधर साइड की है। अब यहाँ पे शोर हो गया है, चलो शोर हो गया, यहाँ पे डक्ट्स बन रही है ना, यहाँ पर एसी की डक्ट्स बन रही है, और पापा के पूरे लेसेस खुल चुके हैं। हाँ ये हमारे पार्टीशन हो रहा है, इधर गेट तो खोल ले भाई। सो बेसमेंट तो ऑलमोस्ट कम्प्लीट ही समझो एक महीने में, देखो यहाँ पर वुड वर्क चल रहा है, पार्टीशंस का वर्क चल रहा है, बहुत कुछ चल रहा है यार। मैं मतलब इतने सिर्फ शायद एक हफ्ते के लिए गई थी और इतना सारा काम हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा, इतनी खुशी हो रही है, बहुत स्पीड में काम, रोज मॉनिटर कर। तो अब और फ्लोर जाके दे गाइज, ये देखो आज तो एक चमत्कार ही हो गया, मतलब मुझे विश्वास नहीं हो रहा अपनी आंखों पे, मतलब 3 दिन बाद हुआ ये, वो है विश्वास किस, इतनी ऑर्गेनाइज्ड रखी हुई है अलमारी, अरे ऊपर तक एक नीचे, मतलब ये आज ही कराए क्या? 2 दिन से, और दो दिन से नहीं रह सकता ये, मैं मान ही नहीं सकती, ये परसों हुआ, 3 घंटे लग गए, 3 घंटे तुम्हें अपना बिना बात मैंने करा ये। हाँ करा भैया ना, हाँ भैया झूठ, मैं तो मानती नहीं, ठीक है तो तुमने ये 2 दिन रख लिया ना, वो भी बहुत अच्छा, तुम बिना बात के अपनी गाथा मत गाओ, बात ये है सीधी सीधी, 2 दिन से ममता आंटी में क्या कह रही है, भैया कपड़े बिगाड़ी दीदी आने वाली है, ये कपड़े बिगाड़ना दीदी आने वाली है, पहली बार आंटी मैं तो शॉक, दीदी को अधिकारी शॉक हूँ। दूसरी चीज ये गाइस देखो, आते ही पहले मैं अपने फ्लैट नहीं गई हूँ, मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि हमने खाना मंगाया था यहाँ पर, ये है चिली पोटैटो और ये है मोमोज, हम दोनों को इतनी भूख लग रही है से। है ना, देखते कितना हो रहा है, इसमें भी मोमोज है अलग अलग टाइप के, तो इतनी सारी चीजें हैं, चलो मैं खा के आपको बता दूं कैसा है, टेस्टी है, अब मैं खा लूं, टूटो। और ये देखो मैंने देखा ये शंख है, ठीक है, शो पीस, इसका एक और यूज है, पेन होल्डर भी बन सकता है, और इसमें एक पेन है, ये पेन, हाँ ये पेन है ऑरेंज कलर का, इतना बढ़िया चलने वाला, और ये अनिकेत भैया बताएंगे
ये अनिकेत ही लेकर आया था और हाँ। स्टोरी में अनिकेत ही बताया गया इसकी। ये महंगा पहना है बहुत। एकदम लिखी भैया की जन्म से क्या हुआ, हम गए थे गाड़ी लेने के लिए, क्रेटा गाड़ी लेने के, ठीक है। अनिकेत हमारे साथ था, अनिकेत ने टेबल पे देखा ये पेन, अनिकेत ने चलाया, चला के देखा, उसको अच्छा लगा, लिया और जिम बोला हमारा वहां पे उन्होंने साइन कलर के रखा होगा कि गाड़ियां खरीद। अगर सुन रहे हो ना तो अनिकेत बैन हो आप ऐसे। गाइज मैं आ चुकी हूँ अपने फ्लैट पर इतने दिनों बाद, सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन इस फ्लैट की अभी थोड़ी सफाई करनी पड़ेगी क्योंकि काफी दिनों से ये बंद पड़ा हुआ था। अब थोड़ी सी इसकी सफाई करूंगी एंड बेडशीट्स वगैरह चेंज करूंगी। पहले मैं गई थी सीधा विला पर करण के साथ आफ्टर ऑफिस, क्योंकि मुझे लगा माँ से पहले मिल लेती हूँ, लेकिन वो थे नहीं, वो कहीं गए हुए हैं, वो शायद करण की मासी के यहाँ गए हुए हैं। तो अभी मैं बस सामान अनपैक करती हूँ, मैं बहुत थक गई हूँ, आज मैं सुबह की उठी हुई हूँ ना, तो मुझे इतनी नींद आ रही है कि पहले मैं ऐसे बेडशीट वगैरह चेंज करके फिर आराम से रेस्ट करूंगी। गाइज देखो मैंने अपनी बेडशीट चेंज कर ली है, अब मैं आराम से रेस्ट करूंगी थोड़ी देर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ। एंड यहाँ पर सच में इतनी गर्मी है, इतनी गर्मी है, मैं आपको बता नहीं सकती कि मैंने एसी पूरा चला रखा है, फैन चला रखा है, लेकिन मुझे फिर भी इतनी गर्मी लग रही है। या मे बी कमरे को ठंडा होने में टाइम लग रहा है इसीलिए हो सकता है, और मैं थोड़ा बहुत काम करा, सफाई करी, तो इसीलिए भी हो सकता है। मैं आपको यहाँ से व्यू दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लग रहा है, इतने दिनों बाद आई हूँ ना तो और अच्छा लग रहा है। ये देखो ये रिवर है और यहाँ फाउंटेन है, आपको दिख रहा होगा अगर। तो मैं सोच रही हूँ कि रेस्ट ना करूँ और थोड़ा घूमने जाती हूँ, वॉक करने जाती हूँ, थोड़ी बहुत चीजें लेने जाती हूँ जो कि फ्लैट पे खत्म हो चुकी है वो। और मैंने मंदिर की भी सफाई कर ली है क्योंकि बहुत दिनों बाद मैं आई हूँ, तो आज शाम को यहाँ पर मैं दीपक भी जलाऊंगी। मैं आई हूँ नीचे फ्लैट के अपने, क्योंकि करण मुझे अभी लेने आ रहे हैं, हम कहीं घूमने जाएंगे, देखते हैं अभी। पर सच में यार इधर इतनी गर्मी है कि मैं यहाँ पर भी खड़ा नहीं होने जा रहा है, क्या ये बताऊँ यार। और मैं रेस्ट भी नहीं कर पाई बिकॉज मैं सफाई कर रही थी। ये देखो करण आ गए, हेलो वेलकम बैक। हाँ रेस्ट कहाँ हुआ यार, सफाई कर सफाई। ओहो सफाई, सोरी हो गया मत बोल। नहीं नहीं यार सच में। ये देखो ऑस्कर शीरो कैसे भौंक रहे हैं बालकनी से, पता नहीं किस पे भौंक रहे हैं। रिक्की अगर तू देख रहा है तो ये देख बाबू, अब ये मुझसे चिनोली मांगने आ गया, इसे याद आ गई। ये देखो मैंने देखा अभी कि माँ ने एक बर्ड्स लगाई है गार्डन में, इतनी सुंदर और क्यूट क्यूट से देखो। एंड ये देखो गाइस मैंने अभी देखा कि माँ ये छोटी छोटी प्यारी प्यारी से चिड़िया लाई है, इतनी क्यूट क्यूट से, याद देखो हंसी लगती है बिल्कुल। और ये देखो रैबिट और ये वाइट पग, कितना क्यूट है ना ऑस्कर जैसा। और यहाँ पर भी चिड़िया चिड़िया, और ये देखो ये चलता नहीं है, अच्छा ऐसे ही है, इसके टायर चलते नहीं है, कितना क्यूट बनी रैबिट है। और बनी के साथ ही बैठे हुए देख, दो बनी और एक डॉग वहाँ सो रहा है, तुमने वो देखा? हाँ। वो बिल्कुल साइड में जाकर सो रहा है, ढोलू भोलू कितना प्यारा लग रहा है, मोटे गाल का तीर दे। हाँ बोला तुमने, चलो चलो। अरे देखो क्या है, ब्लॉग का भी ब्लॉग बन रहा है इधर, क्या है हम उनका ब्लॉग बना रहे, हमारा ब्लॉग बना रहे। चलो अब हम कहाँ जा रहे हैं तो बता। हम जा रहे हैं, पहले तो मैं नई जो कार है उसको ड्राइव करने जा रही हूँ, जैसे कि मेरे को बहुत आती होगी, बट नहीं मतलब करण ने मुझे कहा कि वो बहुत इजी है चलाने में, तू चला सकती है, तो हाँ लेकिन अभी नहीं, ऑन योर कल, आज नहीं, देख अभी सब तुझे घुमा लेके जा रहा हूँ, ठीक है, कैसे घूमने जा रहे हैं बस। हाँ नारियल पानी पीने, हाँ नारियल पानी, बहुत गर्मी, ठीक है चलो। एंड ये नई कार में चलो, अरे वाह यार इसकी स्क्रीन कितनी बढ़िया है ना, ऑडी जैसी। और पता है इसका सबसे अच्छा क्या है, एसी सिस्टम, कैसे मतलब बहुत फास्ट है, अरे बहुत फास्ट मतलब बहुत मस्त एकदम, इसकी ये वाली चीज बहुत अच्छी है यार, है ना, अभी दिखाऊंगा तुझे, पता है इसका एक एक छोटा सा फीचर बताऊं, अच्छा जैसे इंडिकेटर करा हुआ है, तुझे आदत नहीं है ना शीशे में देखने की, साइड में देख, ओ वाओ ये बन गया, ये बन गया साइड वाला, और इधर करूंगा तो इधर इधर वाले में आ जाएगा, इधर साइड का, नाइस ये देखो, है ना, लेट्स। पर तुमने मुझ पे फिर भी विश्वास थोड़ी करा चलाने पे, हां वो तो मैं करता ही नहीं, मुझे पता नहीं, और जो छोटी सी रूफ, इस सेगमेंट में इस गाड़ी में बहुत प्यारे प्यारे चीजें और फीचर्स हैं इसमें, बहुत मैं अपनी सीट बेल्ट लगा लूं पहले। एंड ऑल्सो गाइस तो मुझे ना ऐसे कमेंट्स आते हैं कि वेट लॉस के टिप्स दो या कुछ ऐसे टाइप के, तो मैं ये बताना चाहूंगी बेस्ट टाइम वेट लॉस का होता है समर्स, समर्स में सबसे ज्यादा वेट लॉस मतलब इजी होता है, और बब्बा तो, हमेशा गेनिंग मोड पे रहती है, मैं आपको ये भी बताऊं, चुप रहो, तो इसीलिए अगर आपको वेट लूज करना है सो ये बेस्ट टाइम है।
ज्यादा से ज्यादा पानी पियो, क्योंकि इस टाइम पर ना गर्मी में ज्यादा भूख भी नहीं लगती है, पानी पीने का ज्यादा मन करता है। चार प्लेट मोमोज लेके बैठी थी। Stop roasting me. This is daughter roasting channel. वो भूख नहीं लगती है, मुझे लगा तो चार मोमोज और चिली पटेटो और भी ये खाने को। तुम इतना ना मेरे साथ ही बोलते हो, मेरे व्लॉग में बोल रहा हूँ। फ्राइड राइस तेरे तैयार करके आई है। पता है बहादुर भैया से मैं मिली ना अभी, तो उन्होंने बोला भाभी आप फ्राइड राइस खाओगे? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। इनको पता है मुझे ना उनके हाथ के फ्राइड राइस बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छे बनाते हैं। तो वो कहते कि आज अभी ही खाना और फ्राइड राइस खाना। ये हमारा नारियल पानी आ गया। वाओ। Day 2. Hello guys, good morning. Welcome back to my channel. और आज आपको मेरे में क्या डिफरेंट दिख रहा होगा? Of course, साड़ी मैंने आज पहनी है और मुझे ये ममता आंटी ने पहनाई है, क्योंकि मुझे साड़ी पहनना नहीं आता और ये माँ की साड़ी है। मुझे इतनी सुंदर लगी थी, इतनी सुंदर लगी थी, तो मैंने आज कुछ ट्राई करा नया। अभी जाते हैं और पाइका और माँ का रिएक्शन लेते हैं कि मैं कैसी लग रही हूँ। वैसे मुझे बहुत सुंदर लग रही है यार ये साड़ी। आजकल वो चल रहा है ना गाना गुलाबी साड़ी, उसके लिए मैंने पहनी है कि मुझे कोई गुलाबी साड़ी चाहिए थी। बट हाँ, तो चलो चलते हैं और पाई को और माँ को सरप्राइज करते हैं आज। सो लेते हैं पाई और माँ का रिएक्शन। चलो पाई। ये क्या साड़ी में? हाँ, ये मैं आपके रिएक्शन लेने आई हूँ। क्या बात है गजब। देखो अरे वाह। और ऐसे ही मैं जो आपके राजपूत टाइप वो वाली होती है ना स्टाइल वाली, वो भी पहनूंगी। अरे यार तो तू माता सीता के अवतार में लग रही है। और माँ को भी दिखाती हूँ चलो। और बुआ जी भी साथ ही बैठे। देखो पहले बुआ जी को दिखा। भैया बहुत अच्छी लग रही है, बढ़िया सी लग रही है तू। और ये साड़ी किसकी है? सोनपरी है ये। सच में बहुत ही प्यारी लग रही है साड़ी। तुझे सूट हो रही है, बहुत अच्छी लग रही है। सच में मैं तो ये सोचता था कि सैंडी साड़ी में लगेगी कैसे, पर बहुत सुंदर। लो मैंने आपको दिखा दिया। मैं कहती हूं बहुत सुंदर, पक्की सुन, पक्की छत्राणी एक नंबर की। और भाई ये साड़ी किसकी है बताओ? साड़ी किसकी है भाई ये बताना मुश्किल है मुझे। माँ की। और अभी तो साड़ी लेके आई हो मैंने ब्लाउज था ये स्टिच विच करके। ये मेरा भी ऐसी तू ऑफिस जा यही पहन के। ऑफिस में बहुत अच्छी लग रही है, भगवान तुझे नजर ना लगा। जल्दी से टीका लगा दे इसके। सच का ही लगा है, सच्ची नजर स्टोरी में बहुत सुंदर लग रही है मेरी। बहुत अच्छी। अब तो पहली बार साड़ी पहनी है, सब प्यारी छुड़ा प्यारी बेटी है। आगे छुरी बुआ ने सब आज तो कर लिया है। सब कुछ छुरी छुरी तेरे छुरी है। हां अब इनके पीछे चलो। अब आशीर्वाद दो, सब जन आशीर्वाद दो। शादी के एक महीने बाद तक सैंडी ने अपना रूप दिखाया। सैंडी किस टाइप से रहे? पर सचिन इस स्टाइल पर रूप मतलब स्टाइल रूप मतलब शादी के एक महीने बाद तक ऐसी रहेगी। और ऐसे भी नहीं, मैंने क्या बोला एंट्री तब करूंगा जब तू राजपूताना स्टाइल में साड़ी से। ऐसे नहीं कि ये तो नॉर्मल राजपूताना स्टाइल पहले बचपन से ही कहता है। ये तो है नॉर्मल साड़ी स्टाइल। एक राजपूत साड़ी स्टाइल होता है ऐसे करके पल्लू डाल के यहाँ से ऐसे करके नहीं दिखा। एक महीने में रहना है, पदमावत स्टाइल में रहना है। खुश हो चल मैं अभी करूँ। ठीक है हाँ मम्मी कह रही मैं भी करूँ ऐसे ऐसे ना ऐसे। एक हमारे सीधी पल्लू भी बांधते हैं साड़ी। हाँ है वही होती है सीधी पल्लू वाली भाई जो मेन होती है ना। हाँ वो सारी सी फैब्रिक की। हाँ राजपूत कल्चर है ये होना चाहिए। ठीक है अब हमारा एक फोटो ऐसे ले लो। हाँ पल्लू हमारा छोटा है। हाँ पल्लू थोड़ा छोटा पड़ गया वरना। तो गाइस शूट हो चुका है डन और मम्मी ने इसको स्पेशली बोला है, मेरे को बोला है बल्कि कि जाओ और इधर एक फुल वाली टाइप की है उधर लेकर सैंडी को लेकर जाओ और इसकी बहुत सारी रील्स बनवा कर लाओ। हालांकि सैंडी ने अपने एक दो रील्स बना ली है घर पर, तो बोली कि नहीं नहीं। मैंने बोला बड़े हो गया शूट हो गया। बोले नहीं नहीं कुछ नहीं दोबारा बना के लाओ। तो अब हम जा रहे हैं दोबारा इसके शूट करने के लिए। और वहाँ पे बहुत सुंदर फ्लावर्स है जहाँ पर बना पिंक कलर साड़ी मैचिंग के। ये देखो भाई जज्बा, इतनी गर्मी में धूप में ये लोग क्या करें, शूट कर रहे हैं। बहुत बढ़िया सैंडी। हाँ बाल ठीक करो ये करो। हमारे कैमरामैन पिंक फ्लावर के साथ में पिंक थीम के साथ पिंक साड़ी में सैंडी। फोटो शूट हो चुका है डन। बहुत धूप थी बहुत गर्मी थी लेकिन मजा आया फोटो शूट करके और बहुत प्यारी प्यारी पिक्चर्स है। मेरे इंस्टाग्राम पर जाओ और लाइक जरूर करना देखो उसे।
और बहुत सारा प्यार करूँ। और मैंने सबके रिएक्शन दिया मैंने साड़ी को, सब रिएक्शन ले रही हूँ ना मैं, सबके रिएक्शन। तो ये सैंडी ने आज ये पहना है आउटफिट, तो बताओ कैसे लग रही है? बार्बी फ्रॉक तो सुना, बार्बी की डॉल साड़ी वाला लुक पहना कर रहे हो ना। ये वादर भाई, सैंडी भाभी कैसी लग रही है आज? बहुत अच्छी लग रही है। उधर खड़े हो जाओ। ये यार ये आदमी ने मुझे फिर डांटी यार, उधर खड़े हो जाओ। ये आदमी आज मुझे तीसरी बार डांटी है। आप कैसी लग रही है बहादुर भैया? बहादुर भाई क्या बात है, क्या बता रहे हैं? बता बहादुर भाई, मस्त मैचिंग कर रहे हैं दोनों, एकदम मैचिंग भी कर रहे हैं ना हम दोनों एकदम। बहादुर भाई अब आपको सही बात बताओ, हमने शादी कर ली है। शादी हो गई? ये यार ना हो, कुछ ना हो अभी यार। अच्छा लेकिन बताओ कैसी लग रही? इतना नॉर्मल रिएक्शन था। कैसी लग रही? बहुत अच्छी लग रही। और सबका रिएक्शन होगा अनिकेत का छोड़कर? अनिकेत बताओ। मैं तो अभी देखा दीदी, इसने अभी देखा है साड़ी। क्यों आपने सबसे पहले देखा? तो फिर कोई फेक रिएक्शन? बहुत अच्छी लग रही, बहुत अच्छी, गजब। इन्हें पीटेगी ना वो। अच्छा अच्छी लो। ये भगवान क्या जुलूम है।